हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जावा स्विंग का एक प्रोजेक्ट का डेमो देने वाला हूं, जिसका नाम है हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए पहले इसका हम आउटपुट देखते हैं। नेटबीन्स पे मैंने इसको बनाया है, नेटबीन्स आईडी का यूज़ करते हुए। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट का हमारा फोल्डर है एंड उसके अंदर ये सारी जावा फाइल्स हैं। हमारी जो पहली विंडो रहेगी वो रहेगी स्प्लैश स्क्रीन फ्रेम। तो इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको सब कुछ हटा देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन आ रही है। जैसे ही प्रोग्रेस बार 100 हो जाएगा तो हमारा एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन को मैंने राइट क्लिक किया, रन फाइल किया, तो इस तरीके से ये स्टार्ट होगा। ये नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, कोडिंग में, डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा, कोडिंग में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो स्प्लैश स्क्रीन का जो प्रोग्रेस बार है वो 100% होने के बाद हमारे पास ये लॉगिन विंडो आ जाएगा। हम चाहें तो इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। मैंने डेटाबेस में ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड सेट करके रखा है। ये एडमिन का लॉगिन पेज है, तो एडमिन का नाम और पासवर्ड मैंने एडमिन सेट किया हुआ है डेटाबेस में। शो पासवर्ड से आप पासवर्ड को देख भी सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए है। ओके, तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जे ऑप्शन पेन के थ्रू मैसेज आ गया, लॉगिन सक्सेसफुल, ओके कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक डैशबोर्ड आ चुका है एडमिन का। एडमिन चाहे तो यहाँ से लॉग आउट कर सकता है। नो पे क्लिक करेगा तो लॉग आउट नहीं होगा, यस पे क्लिक कर देंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। डू यू रियली वांट टू लॉग आउट, यस कर दिया तो वापस हमारे पास लॉगिन विंडो आ गया। तो फिर से मैं लॉगिन करता हूँ, ओके किया। इस एग्जिट बटन पे क्लिक करके मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकता हूँ। पूरा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। अब ये सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं बटन्स दिए हुए हैं, सब में हमने आइकॉन्स भी यूज़ किए हैं। तो हॉस्टल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसमें एडमिन क्या कर सकता है, रूम को मैनेज कर सकता है, रूम का नंबर, रूम एक्टिवेट है या नहीं है, मतलब स्टेटस क्या है, वो किसी को स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं वो रूम या नहीं, वो मैनेज कर सकता है, स्टूडेंट को मैनेज कर सकता है, ठीक है ना, स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट की फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट अभी हॉस्टल में हैं, कितने जा चुके हैं पहले थे, तो ये सब चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉइज़ का डेटा भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं मैनेज रूम पे जाता हूँ। ये सारे रूम मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तीन रूम, दो का स्टेटस मैंने एक्टिवेट रखा है और तीसरे का नो रखा है। तो जिनका स्टेटस एक्टिवेट होता है, तो जब मैं स्टूडेंट को ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ न्यू स्टूडेंट पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो एक नंबर मिल रहा है 102, मतलब एक ही रूम अभी यहाँ पे बचा हुआ है देने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा जो रूम होगा वो किसी को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। जैसे मैनेज स्टूडेंट पे जाएं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सर्च करके नया स्टूडेंट ऐड करके। तो पहले मैं आपको यहाँ से एक रूम ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा 104, इसको मैंने टिक लगा दिया तो ये एक्टिवेट की जो वैल्यू है वो यस हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे डेटा ऐड हो चुका है और इसकी वैल्यू यस आ रही है, अभी ये बुक नहीं हुआ है, ठीक है, नॉट बुक्ड। और ये जो रूम है वो बुक हो चुका है 101, इसीलिए वो हमें ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ओके, अब किसी को हमें एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 104 कर दिया, यहाँ पे सर्च किया तो ये रेड आ रहा है, मतलब ये अभी किसी ने बुक नहीं किया है, ये अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, न्यू स्टूडेंट पे जाता हूँ, तो अब यहाँ पे दो रूम नंबर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बुक नहीं हुए हैं और दोनों का जो स्टेटस है
वो एक्टिवेट है, मतलब एक्टिवेट की वैल्यू यस है। ठीक है, आप देख रहे हैं 102 एंड 104 दोनों का एक्टिवेट की वैल्यू यस है और दोनों क्या है, नॉट बुक्ड है। बुक वाला ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा, और जिसका एक्टिवेट स्टेटस नो है तो वो भी हमें डिस्प्ले ड्रॉप डाउन में नहीं होगा, वो हम किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का वैलिडेशन लगा हुआ है कि किसी को अगर रूम दे दिया है तो वो किसी दूसरे को हम प्रोवाइड ना करवा पाए। ओके, एंड यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। जैसे 104 लिख के मैंने सर्च किया तो इसका स्टेटस क्या है, एक्टिवेट है, इसलिए यहाँ पे टिका रहा है। मैं चाहता हूँ इसको मुझे डीएक्टिवेट करना है, तो मैंने टिक लगाया और एडिट पे क्लिक कर दिया, तो ये अपडेट हो चुका है। आप देखो यहाँ पे नो आ गया, पहले यहाँ पे यस था। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। कैसे डिलीट करूँगा, मैंने 104 लिखा रूम का नंबर, सर्च किया, एंड अब मैं इस पर डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये डेटा यहाँ से हट चुका है। ओके, तो इस तरीके से रूम को मैनेज करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट की एंट्री करेंगे, जो भी स्टूडेंट हम ऐड कर चुके हैं उसको हम यहाँ देख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट लिविंग में जाके। तो जितने भी स्टूडेंट अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं हॉस्टल में, ठीक है, जिनका स्टेटस लिविंग है, तो उनकी डिटेल हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और मोबाइल नंबर से हम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे इसका जो मोबाइल नंबर है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया या फिर रीड कर लिया, और यहाँ मैनेज स्टूडेंट पे जाके मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने वहाँ से कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया, या फिर मैं टाइप करके सर्च करूँगा। अगर ये डेटा होगा तो ये सर्च होके आ जाएगा उसका सारा डेटा। एंड यहाँ पे हम इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि क्या ये अभी भी लिविंग है या रूम को छोड़ चुका है। अगर ये रूम को छोड़ देगा तो जो रूम था उसका जो बुक्ड वाला स्टेटस था वो क्या हो जाएगा, नॉट बुक्ड हो जाएगा अपने आप। तो मैं इसको कर देता हूँ, इसका कुछ डेटा हम चेंज करके देखते हैं। जैसे कि मैंने कॉलेज का नाम एबीसी की जगह एबीसीडी की जगह एबीसी कर दिया, अपडेट कर दिया, और एंड फिर से सर्च किया तो ये अपडेट हो चुका है। ओके, अभी ये रूम नंबर 101 इसको अलॉट किया जा चुका है। मैं इसको लीव्ड अगर कर देता हूँ, लीव्ड करने से पहले मैं आपको स्टूडेंट की फीस मैनेज करने का भी बता देता हूँ। यहाँ से हम डेटा डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट फीस में जाते हैं तो यहाँ से मोबाइल नंबर से मैं सर्च कर सकता हूँ, 9229465037। ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर आपने न्यू स्टूडेंट ऐड करते समय दिया होगा, तो मोबाइल नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया है, तो मोबाइल नंबर से मैं सर्च कर सकता हूँ। सर्च पे क्लिक किया तो ये डेटा आ गया, मंथ का नाम आ जाएगा। अगर इसने अमाउंट पे नहीं किया है इस मंथ का तो यहाँ पे ये अमाउंट लिखा हुआ आएगा, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 6000 आएगा। आप चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो, अगर स्टूडेंट का जो फीस है वो 8000 है तो आप 8000 लिखोगे, 5000 है तो 5000 लिखोगे, एंड सेव पे क्लिक कर दिया तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब मैं सर्च कर सकता हूँ इस स्टूडेंट को। अब क्योंकि ये पे कर चुका है तो दोबारा फीस पेमेंट नहीं होगा, आप देखोगे सेव का बटन अब नहीं आएगा अगर ये स्टूडेंट पे कर चुका है तो, 9229465037। तो मैंने सर्च किया तो यहाँ पे लिखा है ये जो स्टूडेंट है इस मंथ का अमाउंट पे कर चुका है, सेव का ऑप्शन अब नहीं आ रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। अगर मैं कुछ ऐसा सर्च करता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने मोबाइल नंबर इस बार गलत दिया जो डेटा बेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इससे पहले वाला जो नंबर था उसमें लास्ट में 7 था, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, तो ये डेटा तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैसेज आ गया स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ से आप फीस को मैनेज कर सकते हो, एंड उसके बाद
मैनेज स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, ऑल स्टूडेंट लिविंग सारे स्टूडेंट जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, और जो छोड़ चुके हैं लीव स्टूडेंट वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। जैसे मैं मैनेज स्टूडेंट पे जाके इसका स्टेटस चेंज कर देता हूँ, लीविंग स्टेटस, इसको मैं लीव लिविंग की जगह लीव्ड कर देता हूँ। तो मैंने नंबर से सर्च किया मोबाइल नंबर से, ओके इसका स्टेटस मैं चेंज कर देता हूँ, लीव कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, अब ये यहाँ पे लीव आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 101 जो पहले बुक था अब वो नोट बुक आ रहा है। एंड अब मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, ऑल स्टूडेंट लीविंग में ये डेटा हट चुका है क्योंकि स्टेटस हमने चेंज कर दिया था, लीव्ड कर दिया था, तो ये लीव्ड में इसका डेटा आ चुका है। ओके, नया स्टूडेंट ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कुछ नंबर दिया 860276 8216, नाम दे दिया, तो ये सारा डेटा मुझे फिल करना है। तो ये सारा डेटा मैं फिल कर देता हूँ, आधार नंबर, अब कौन सा रूम आप इसको प्रोवाइड करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करोगे। तो मैंने 102 को सेलेक्ट कर लिया, सेव पे क्लिक किया तो ये डेटा एड हो चुका है। ओके, मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके सर्च कर सकता हूँ, मोबाइल नंबर से मैंने सर्च किया 860276 8216, तो ये सर्च होके डेटा आ चुका है। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, एंड ऑल स्टूडेंट लीविंग में जाके मैं इस डेटा को देख सकता हूँ क्योंकि इसका स्टेटस अभी लीविंग है। इसी तरह हम एम्प्लॉई को मैनेज कर सकते हैं, कोई भी नया एम्प्लॉई होगा तो उसकी एंट्री में यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे मैंने कुछ नंबर दे दिया, नाम दे दिया, फादर का नाम दिया, तो ये सारा डेटा फिल करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा। डेजिग्नेशन में एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, जो एम्प्लॉई है वो क्या वर्क करता है, क्या वो कुकिंग का वर्क करता है या मेंटेनेंस या हाउसकीपिंग, अलग अलग तरीके के काम होते हैं हॉस्टल में। तो मैंने यहाँ से ले लिया हाउसकीपिंग, सेव पे क्लिक कर दिया, तो ओके किया तो ये डेटा एड हो चुका है। मैं यहाँ से इसको चेक करता हूँ, ऑल एम्प्लॉई वर्किंग में, तो
तो ये डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एंड अब एम्प्लॉई को हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो उसका भी डिटेल हम यहाँ पे कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है। तो मुझे मोबाइल नंबर से सर्च करना है, तो मैंने लिखा 7566011111, ये नंबर मैंने दिया था, इस नंबर से मैंने सर्च किया। तो ये अगर इसको पेमेंट नहीं किया है, इस मंथ का एंट्री नहीं किया है, तो वो डेटा यहाँ पे आएगा सर्च के। और अगर हम पे कर चुके हैं, देखो यहाँ पे डेटा आ गया, ओके किया। एंड अगर मैं फिर से सर्च करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको पेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे सेव का बटन नहीं आएगा और ये डेटा यहाँ पे हमें टेबल में डिस्प्ले हो रहा है, ओके। जो एम्प्लॉय लीव कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो उनका डेटा यहाँ पे आएगा। जैसे मैं ऑल एम्प्लॉय वर्किंग में जाके, सॉरी मैनेज एम्प्लॉय में जाके अगर किसी का स्टेटस चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया, जीरो ट्रिपल वन डबल वन, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये सारा डेटा आ गया। अगर मुझे किसी को अपडेट करना है, जैसे मैंने लिखा आकाश कुमार सिंह, एडिट पे क्लिक किया तो ये अपडेट हो चुका है। मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ फिर से, 7566011111, तो ये आप देखो नाम अपडेट हो चुका है। इसी तरह मैं अब इसका वर्किंग स्टेटस चेंज करना चाहता हूँ, नॉट वर्किंग, एडिट पे क्लिक कर दिया तो ये नॉट वर्किंग कहाँ पे डिस्प्ले होगा, लीव वाले में, ठीक है। लीव एम्प्लॉई में जाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है, ओके। एंड अब मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, ओके। मैं दिखाता हूँ इसका जो सोर्स कोड है, ठीक है। ये मैंने फोल्डर, मेन फोल्डर हमारा ये है होस्टल मैनेजमेंट कोर जावा नाम से, एंड इसके अंदर ये हमारा डेटाबेस का फाइल है, नोटपैड प्लस प्लस के साथ मैंने इसको ओपन कर दिया। तो ये सारे मैंने इसमें टेबल्स बनाए हैं। एडमिन के अंदर जो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने सेट किया हुआ है वो है एडमिन एडमिन, रूम टेबल, स्टूडेंट टेबल, एम्प्लॉई टेबल, फीस टेबल, ये सारे टेबल्स बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हैं वो है JDK जावा डेवलपमेंट किट, उसके अलावा IDE मैंने नेटबीन्स यूज़ किया है, एंड डेटाबेस के लिए मैंने XAMPP का यूज़ किया है, ठीक है। XAMPP सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, डेटाबेस तो हमारा बैकएंड में हमने MySQL को यूज़ किया है। फ्रंट एंड में जो लैंग्वेज हमने यूज़ की है वो है जावा स्विंग। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर अगर आप इसका सोर्स कोड परचेज करना चाहते हैं। Thanks for watching.